अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली सीरीज़ है लेक्चर 5, 6 एंड 7। ये सॉइल क्लासिफिकेशन के अबाउट हैं। पहला जो लेक्चर था लेक्चर 5, दैट वाज अबाउट USDA सॉइल क्लासिफिकेशन या टेक्सचरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 6 ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन, दैट वाज अबाउट एश्तो सॉइल क्लासिफिकेशन, एंड दिस लेक्चर 7 इज़ अबाउट USCS सॉइल क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन है इसको बेसिकली हम अडॉप्ट करते हैं फॉर बिल्डिंग वर्क्स, कि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं और आपने उसके लिए सॉइल की क्वालिटीज़ को जज करना है या सॉइल की टाइप को चेक करना है तो उसके लिए फिर आप USCS सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। बेसिकली तीन सिस्टम है सॉइल क्लासिफिकेशन के। टेक्सचरल वी हैव डन इट इन लेक्चर 5, एश्तो सॉइल क्लासिफिकेशन इज डन इन लेक्चर 6, एंड इन दिस लेक्चर लेक्चर 7 वी विल बी कवरिंग द USCS सॉइल क्लासिफिकेशन और यूनिफाइड, दिस इज नोन एज द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है बट वेरी इजी। ट्रिकी ज़रूर है, मतलब आप अगर किसी जगह पे जाके रुक जाते हैं या आपको समझ नहीं आती तो वो वहाँ पे आपको ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इशू नहीं है इसमें। इतना इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इसको अडॉप्ट करना, लेकिन जब आप इससे हाउ नो हो जाएगी तो उसके बाद इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली 4 सॉइल टाइप्स हैं। जब भी आप USCS से क्लासीफाई करेंगे, एश्तो के अकॉर्डिंगली 7 सॉइल क्लासीफिकेशन थी, बेसिकली 7 सॉइल टाइप्स थी, A1 to A7। और अगर आप USCS में जाएं तो 4 सॉइल टाइप्स बनती हैं बेस्ड अपॉन द परसेंटेज ऑफ पासिंग मटेरियल फ्रॉम नंबर 200 सीव, परसेंटेज ऑफ पासिंग मटेरियल फ्रॉम नंबर 200 सीव। तो बेसिकली जब भी हम कोई सॉइल सैंपल लेते हैं और उसका सीव एनालिसिस करते हैं, सीव एनालिसिस करेंगे तो सबसे एंड पे जो सीव होगी दैट विल बी नंबर 200, बिकॉज दिस सीव डिफरेंशिएट बिटवीन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स। जो 200 से पास कर जाएंगे वो आपके फाइन एग्रीगेट्स होंगे और जो 200 पे रिटेन कर जाएंगे वो आपके कोर्स एग्रीगेट्स होंगे। अब उन कोर्स एग्रीगेट्स में सैंड हो सकती है, ग्रेवल्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ सीव्स और नंबर ऑफ सीव्स विच आर यूजिंग। तो अगर आप सीव एनालिसिस करते हैं और उससे आप फाइंड करते हैं कि परसेंटेज ऑफ पासिंग मटीरियल फ्रॉम नंबर 200 सीव इज लेस देन 50%, देन यू विल सिंपली से that the material is coarse grained soil. तो हम इन दोनों को as a mixture कहते हैं, these are coarse grained soil. Means this soil has coarser particles as compared to other soils. इनके particles का size थोड़ा सा बड़ा होता है, coarser particles होते हैं। तो simply एश्तो में 35% है limit, यहाँ पर 50% है। If percentage passing from number 200 sieve from number 200 sieve is less than 50%, not equal, it is less than, evident, 49% होगी, तो या तो ये gravel होगी soil या फिर ये sand होगी। अब ये differentiate कैसे करेंगे sand और gravel में, वो next हम जब इनकी details पढ़ेंगे तो उसको हम cover कर लेंगे। Next one is if percentage of passing from number 200 sieve, कि आपके पास material था 1 kg या 500 gram या जितना भी material था, उसको आपने sieve analysis किया और नंबर 200 से आपके मटेरियल का 50% से ज़्यादा पास कर गया, मीन ओवरऑल मटेरियल का मोर देन 50% जो है वो पास कर गया आपकी सीव नंबर 200 से, सो मींस आपकी जो सॉयल है दैट इज़ फाइन ग्रेन सॉयल। उसको सिंपली हम कहेंगे दैट इज़ फाइन ग्रेन सॉयल, मीन इसके जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो फाइन हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्टिकल्स आर कोर्स पार्टिकल्स। तो उसमें भी दो टाइप्स हैं, क्ले दैट मे बी ओ एंड आई, ओ और आई, ओ मीन्स ऑर्गेनिक एंड आई मीन्स इनऑर्गेनिक। तो आपकी क्ले जो है इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसी तरह से दूसरी टाइप जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल की, वो सिल्ट है। तो फाइन सिंपली वी कैन से दैट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू नंबर 200 सीव, आपकी जो परसेंटेज है, मीन आपकी जो परसेंटेज पासिंग है उसकी बेस पे दो क्लासेस हैं सॉइल की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेस देन 50% पासिंग है तो फिर आपकी क्लास बनेगी कोर्स ग्रेन, और उसमें बेसिक सॉइल टाइप्स दो हैं, ग्रेवल्स जिसको हम डिनोट करते हैं जी से और सैंड जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, मीन दिस एस इज द सिंबल फॉर सैंड।
दिस जी इज द सैंपल फॉर ग्रेवल्स। क्ले को सी से और सिल्ट को यहाँ से एम से शो करते हैं, एस से शो नहीं कर सकते बिकॉज एस इज फॉर सैंड, तो इसको हम एम से शो करते हैं, दिस इज सैंपल फॉर सिल्ट। अगर आपकी पासिंग 50% या उससे ज़्यादा है, इक्वल आर ग्रेटर देन 50%, देन द मटीरियल विल बी फाइन, मीन ज़्यादा पास कर रहा है मटीरियल नंबर 200 से, इट मीन्स आपके फाइनर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोर्स ग्रेन सॉइल को कवर करेंगे, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर कंडीशन यही है कि इफ परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 200 सीव इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल मटीरियल, देन यू कैन से दैट योर सॉइल इज कोर्स ग्रेन सॉइल। सॉरी, इसमें आगे दो क्लासेस हैं, एक ग्रेवल्स और दूसरी सैंड। कोर्स ग्रेन सॉइल जब आप डिसाइड कर, आपने देखना है कि नंबर 200 सीव से लेस देन 50% मटीरियल पास कर रहा है, देन इट मींस दैट योर सॉइल इज कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन की आगे दो टाइप्स हैं, ग्रेवल एंड सैंड। अब हमने देखना ये है कि इधर हमारा जो सॉइल सैंपल है वो ग्रेवल है या सैंड है। अब आप 200 को छोड़ देंगे, मतलब 200 ने तो डिसाइड कर दिया कि आपकी सॉइल कोर्स है, तो स्टेप वन आप नंबर 200 को चेक करेंगे। स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू विल बी कि आपने नंबर 4 से परसेंटेज पासिंग चेक करनी है, वो जो हम कर्व बनाते हैं ग्रेडिंग कर्व, इस ये कर्व जो है ये सीव एनालिसिस के बाद बनती है। तो सीव एनालिसिस से आपने नंबर 4 की जो परसेंटेज चेक की, अगर वो 50% से ग्रेटर है तो ग्रेवल सॉइल है, और अगर वो 50% से लेसर है और इक्वल है तो फिर आप कह सकते हैं मीन्स वो सैंड है। मीन्स कि आपकी परसेंटेज पासिंग पी नंबर 4, अब यहाँ पे हम पी 200 चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम पी 4 चेक कर रहे हैं कि नंबर 4 सीव से जो परसेंटेज पासिंग है, इफ दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50%, देन द सॉइल विल बी सैंड, एंड इफ परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 4 सीव इज लेस देन 50%, देन इट विल बी ग्रेवल। मीन आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज ज्यादा है, नंबर 4 सीव से लेस देन 50%, मीन हाफ ऑफ द मटेरियल, मोर देन हाफ ऑफ द मटेरियल हैज रिटेन्ड ओवर द नंबर 4 सीव। तो नंबर 4 सीव पे अगर मटेरियल पास कर रहा है नंबर 4 सीव से मोर देन आर इक्वल टू 50%, देन यू विल से सॉइल इज सैंड, एंड इफ इट इज लेस देन 50%, देन यू विल से दैट द सॉइल इज ग्रेवल। अब उसके बाद फिर आता है आपके ग्रेवल्स क्लीन होंगे अगर आपकी परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 200 5% से भी लेस है। देखिए पहला क्राइटेरिया क्या था कि 50% से लेस है, अब वो हो गई। अब 50% से लेस 2% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 49% भी हो सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने देखना ये है कि पहले सिनेरियो में हमने ये देखा कि नंबर 200 से जो परसेंटेज पासिंग है वो 50 से लेस है, ये पहला स्टेप था, स्टेप वन। नाउ स्टेप टू पे जाएंगे हम। स्टेप टू क्या कहता है कि आपने ये देखना है कि ये जो नंबर 200 सीव है, सॉरी नंबर 4 सीव है, उससे परसेंटेज पासिंग कितनी है। अगर वो 50 से ग्रेटर और इक्वल है तो फिर वो सैंड है, आप इस साइड पे जाएंगे। अगर वो 50 से लेसर है तो फिर आप ग्रेवल को चूज करेंगे, इस साइड पे जाएंगे। अब ये आपने डिसाइड कर लिया कि वो ग्रेवल है या सैंड है, तो उसके बाद आपने ये क्लासीफाई, अब लेट अस सपोज हमारी सॉइल ग्रेवल है। अब ग्रेवल में भी दो टाइप्स हैं, क्लीन ग्रेवल्स हैं एंड ग्रेवल्स विद फाइंस हैं। अब वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए फिर स्टेप नंबर 3 में आप फिर नंबर 200 सीव के अंदर जाएंगे। नंबर 200 सीव में आपने देखना है कि आपके फाइंस की परसेंटेज वो जो 50% से लेस है वो कितनी है, वो 49 है, वो 12 है, वो 15 है, वो 5 है, वो कितनी है, तो आप देखेंगे। इफ दैट इज लेस देन 5%, सो यू विल से दैट योर सॉइल इज, योर ग्रेवल्स आर क्लीन ग्रेवल्स। इफ 12% फाइंस ज्यादा हैं, मतलब 12% से ज्यादा फाइंस हैं, देन यू विल से दैट ग्रेवल्स विद फाइंस। अब फाइंस में दो सॉइल्स हैं, सिल्ट्स हैं या क्लेज हैं, तो फिर उसके लिए आगे लिमिट्स हैं कि आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है, उसको देख के हम कहते हैं कि ये क्लेई सॉइल है, क्लेई ग्रेवल है या सिल्टी ग्रेवल है, तो उसके लिए आगे रूल्स हैं वो देखते हैं। तो सिंपली कोर्स ग्रेन सॉइल में से अगर लेस देन नंबर 200 कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए अगर आपके नंबर 200 से 50% से लेसर मटेरियल पास कर रहा है तो यह सॉइल इज कोर्स ग्रेन। एंड इफ, अब सैंड कब होगी? इफ परसेंटेज पासिंग थ्रू नंबर 4 सीव इज ग्रेटर आर इक्वल टू 50%, ये गिवन होती है मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, वो सैंड है। और अगर आपकी परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 400 सीव इज लेस देन 50%, देन इट इज ग्रेवल। सिंपली इधर इसमें अगर जाएं तो ये पूरा एक टेबुलेटेड है, आप
कोर्स ग्रेन सॉइल अगर डिसाइड हो चुकी है तो अब उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो ग्रेवल होगी या वो सैंड होगी। जब ये डिसाइड हो जाए कि नंबर फोर से परसेंटेज पासिंग, पहले नंबर 200 से आपने देखा, नंबर 200 से मटेरियल मोर देन 50% रिटेन्ड था, मीन लेस देन 50% पासिंग। तो जैसे ही आपने ग्रेवल या सैंड डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ फाइंस देखेंगे और इस क्लास में या इस क्लास में जाएंगे। जब ये देख लें, जब आप क्लीन ग्रेवल्स के केस में हो तो फिर आप सी यू एंड सी सी देखते हैं, कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर ऑफ द सॉइल। इसमें क्या होगा, आप सी यू कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो ग्रेडिंग कर्व होती है इसमें आप सी यू सी सी चेक करते हैं। सी यू एंड सी सी के अकॉर्डिंगली मेरा एक लेक्चर डिटेल्ड अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उसका मैं यहाँ पे आपके साथ क्यू आर कोड शेयर कर दूंगा, यू कैन सी, यू कैन वॉच दैट वीडियो लेक्चर टू अंडरस्टैंड सी यू एंड सी सी। तो इसके फॉर्मूले बेसिकली मैंने फॉर्मूलाई इंक्लूड कर दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी सॉइल ग्रेवल है या सैंड है, उसके अंदर जो पासिंग परसेंटेज है वो लेस देन 5% है, तो आपकी सॉइल टाइप्स ये दो हो सकती हैं। और अगर आपकी सॉइल या ग्रेवल है और उसकी पासिंग परसेंटेज मोर देन 12% है, देन आपकी सॉइल इन दो टाइप्स है, वो ग्रेवल ही, बट दैट विल बी फ्रॉम दीज टू टाइप्स। नेक्स्ट, अगर आपकी सॉइल सैंड है और वो क्लीन है, मीन फाइंस लेस देन 5% है, तो फिर वो सी यू और सी सी पे डिपेंड करेगी, तो ये दो टाइप्स होंगे। एंड इफ योर सॉइल इज सैंड बट फाइंस आर मोर देन 12%, तो फिर ये दो टाइप्स होंगी। अब इसका मतलब क्या है, ये जी डब्ल्यू का क्या मतलब है, यहां पे जी इज फॉर ग्रेवल एंड डब्ल्यू इज फॉर वेल ग्रेडेड। जी पी, यहां पे पी जो है वो पुअरली ग्रेडेड के लिए है, पी इज इक्वल टू पुअरली ग्रेडेड एंड जी इज फॉर ग्रेवल। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये ग्रुप नेम के अंदर रूल ये है कि आपने सेकंड वर्ड को पहले मेंशन करना है, मीन यहाँ पे डब्ल्यू बाद में है लेकिन आप उसका नाम पहले लिखेंगे, वेल ग्रेडेड और साथ जी है, तो इस मीन दैट दिस इज ग्रेवल। तो इट इज, दिस इज द क्लास विच इज नोन एज टू बी वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एंड देन वी कैन से दैट पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सेम दिस इज एम जी, एम जी मीन्स सिल्टी ग्रेवल एंड दिस सी जी सी मीन्स क्ले ग्रेवल। आप क्ले को पहले मेंशन करेंगे बट क्ले इज नॉट द मेन पार्ट। तो ये पहला जो वर्ड है वो शो करता है कि ये मेन ग्रुप सॉइल है, मीन मेन जो ग्रुप है वो ग्रेवल है, उसके अंदर जो कंटेंट है फाइंस के, अब वो सिल्ट के हैं, क्ले के हैं, या वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। तो अगर परसेंटेज ऑफ फाइंस लेस देन 5% होंगे तो फिर इसकी ग्रेडेशन वेल और पुअर होगी, अगर उसके परसेंटेज ऑफ फाइंस 12 से ज्यादा है तो फिर उसकी जो ग्रेडिंग है या उसकी जो ग्रुपिंग है वो सिल्ट या क्ले के हिसाब से होगी, सिल्ट और क्ले के साथ आप उसको नॉमिनेट करेंगे। और इसी तरह से सैंड के लिए, अगर आपकी फाइंस की परसेंटेज लेस देन 5% है तो वो काउंट नहीं होते, उसमें फिर आप वेल और पुअरली ग्रेडेड सैंड की तरफ जाते हैं, और अगर आपकी परसेंटेज ऑफ फाइंस 12% से ज़्यादा है तो फिर आप उसमें सिल्टी और सैंडी, सिल्टी और क्ले सैंड की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसके रूल्स हैं। अब सी यू आपने फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला है D60/D10, एंड इफ यू वॉन्ट टू डिटरमिन सी सी देन इट्स फार्मूला इज D30² / D10 and D60। अब ये D30, 60 और 10 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा इसको देखें आप, ये प्लास्टिसिटी चार्ट है, इसको समझना है। आपका जो भी सॉइल सैंपल होगा, अगर उसमें आपको लिक्विड लिमिट गिवन है, लेट सपोज दिस लिक्विड लिमिट फॉर योर सॉइल सैंपल इज गिवन एज 40 एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर योर सॉइल इज 20, देन आप इस 40 से वर्टिकली मूव करेंगे और इस 20 से प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। जहां ये दोनों लाइंस आपस में टच करेंगी तो योर सॉइल टाइप विल बी इन दैट रीजन। तो ये जो आपकी सॉइल टाइप है, इस लाइन से, ये ब्लू लाइन से लेफ्ट इधर और इस हैच्ड पोर्शन से ऊपर और ये नीचे, ये सारी की सारी जो सॉइल है, दिस इज सी एल, मीन दिस इज नोन एज द लीन क्ले, लीन क्ले, एल फॉर लीन एंड सी फॉर क्ले, दिस इज सी एल एम एल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिल्टी लीन क्ले, मीन मेन सॉइल इज क्ले बट इट इज सिल्टी एंड इज लीन, ये डुअल है, मीन क्ले एंड सिल्ट आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लीन सॉइल।
and CH is high plastic clay, MH is high plastic silt, OH is highly organic soil, ML is lean silt. MH is highly plastic silt, CH is highly plastic clay, CL is lean clay, M and L is ML, lean silt, and OL is lower organic or low plasticity, low plastic organic soil. तो ये इनके सैम्पल्स हैं. सी यू एंड सी सी क्या होता है, ये आपने ग्रेडेशन कर्व बना ली, परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 200 सीव, और इसमें आप जो ये स्केल है आपका डायामीटर का या ग्रेन साइज का, इसको आप लॉग स्केल पे ड्रॉ करते हैं. तो इस पर आपने क्या करना है, डिफरेंट परसेंटेज पासिंग है, लेट अस सपोज यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 50 है और ये 60 है. तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है 60 पे, यहाँ पे ये कट करेगी ग्रेडिंग कर्व को, 30 पे लगाएंगे ये यहाँ कट करेगी, और 10 पे लगाएंगे यहाँ कट करेगी. तो आपने इस पे वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करनी है, ऐसे 30 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और 60 से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल वर्टिकली नीचे. तो यहाँ से आप डाया पार्टिकल साइज नोट करेंगे. तो जो पार्टिकल साइज अगेंस्ट 10% पासिंग है दैट इज नोन एज द D10. 30% पासिंग के अगेंस्ट जो डायामीटर होगा सीव का दैट विल बी D30, एंड 60% के अगेंस्ट जो होगा दैट विल बी D60. इसी तरह आप किसी और परसेंटेज 80 पे लेना चाहें तो यहाँ पे D80 आ जाएगा आपके पास. D85 लेना चाहें तो यहाँ पे जाके इसको 85 को क्लिक करें, ये D85 आ जाएगा. तो सिंपली आप यहाँ से D10, D30 और D60 की वैल्यूज नोट करेंगे इन मिलीमीटर्स. ये चूंकि लॉगरिथमिक स्केल है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल नोटिंग द वैल्यूज. अब उसके बाद आप सी यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी D60 बाय D10, एंड सी सी फाइंड करेंगे, दैट विल बी D30 स्केयर ओवर D60 इनटू D10. ये पहले फॉर्मूला है जो हमने देखे, ये सी यू एंड सी सी. उसके लिए फिर रेंजेस हैं, अगर आपका सी यू ग्रेटर देन 4 आता है सॉइल का. अब देखें चलेंगे कैसे. आपने नंबर 200 से परसेंटेज पासिंग देखी, दैट वाज लेस देन 50%, आप चले गए कि या ग्रेवल होगा या सैंड होगा. फिर आप नंबर 4 से परसेंटेज देखेंगे, अगर वो लेस देन 50% है तो ग्रेवल, अगर वो ग्रेटर देन 50% है पासिंग. ये मैं परसेंटेज पासिंग की बात कर रहा हूँ, रिटेन की बात नहीं कर रहा. अगर परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 4 इज ग्रेटर देन 50%, फिर वो सैंड है. आप इनमें जाएंगे, अब फिर आप देखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में फिर आपने जाना है कि नंबर 200 से परसेंटेज पासिंग 5% से लेस है या 12% से ग्रेटर है. अगर वो 5% से लेस है तो आप इन दोनों सॉइल्स में जाएंगे, सैंड के केस में इन दोनों में, और अगर ग्रेवल्स के केस में है और फाइंस 12% से ग्रेटर हैं तो फिर आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स को चेक करेंगे. तो उस हिसाब से फिर आप अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ से ग्रुप नेम एक सेलेक्ट करके उस सॉइल को ग्रेड कर देंगे. नेक्स्ट, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्राइटेरिया क्या है. इफ परसेंटेज पासिंग थ्रू नंबर 200 सीव इज ग्रेटर देन 50%, सिंपली इट मींस दैट द सॉइल इज फाइन ग्रेन सॉइल. फाइन ग्रेन सॉइल में भी दो टाइप्स हैं आगे, सिल्ट एंड क्ले. सिल्ट्स एंड क्लेज वो इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं. अब इनमें क्या डिवीजन है, सिल्ट और क्ले ही होगी, सिल्ट और क्ले ही होगी. लेकिन शर्त ये है, एक डिवीजन में सिल्ट एंड क्लेज में लिक्विड लिमिट 50% से लेसर है, एंड दूसरे केस में लिक्विड लिमिट है ग्रेटर देन 50%. तो जैसे वहां पे नंबर 4 सीव का क्राइटेरिया था फाइन ग्रेन सॉइल कोर्स से, आगे फिर हम ग्रेवल और सैंड को डिवाइड करते थे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर 4 सीव से परसेंट इन पासिंग. यहाँ पे आप लिक्विड लिमिट पे डिवाइड करेंगे, मतलब लिक्विड लिमिट जो है ये आपको बताएगी कि हम किस ट्रैक पे जाएंगे. सिंपली जब आप ये देख लें कि परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 200 सीव इज ग्रेटर देन 50%, तो फिर आप देखेंगे कि क्ले और सिल्ट है किस टाइप की है, ऑर्गेनिक सिल्ट है या ऑर्गेनिक क्ले है. इफ लिक्विड लिमिट इज 50% लेस देन 50%, इफ लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50%, देन दैट मे बी ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले एंड इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले. दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये भी इनऑर्गेनिक हो सकती है, ये भी इनऑर्गेनिक हो सकती है, बट देयर प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. अब ये देखें, अगर आपकी लिक्विड लिमिट लेस देन 50 है तो आपकी सॉइल ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इट विल बी डिसाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स और दिस वैल्यू लिक्विड लिमिट रेशियो, दिस शुड बी लेस देन 0.75. अगर आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है, लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल है, तो फिर आपके लिए लिक्विड लिमिट ओवन ड्राइड सॉइल की और लिक्विड लिमिट नॉट ड्राइड सॉइल मीन वेट सॉइल की
या नॉट ओवन ड्राइड सॉइल की, जो ओवन से ओवन ड्राई नहीं हुई हुई है उसकी रेशियो 0.75 से लेस होनी चाहिए, फिर आपकी सॉइल जीरो ओएल होगी। अदरवाइज इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 से ग्रेटर है तो फिर ये सीएल है, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4 है तो फिर ये एमएल है। मीन लीन क्ले और लो प्लास्टिक क्ले और लो प्लास्टिक सिल्ट और लीन सिल्ट। एंड देन अगर आपकी लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 है तो फिर उसके लिए आप पीआई की प्लॉट चेक करेंगे कि पीआई ए लाइन से ऊपर है या नीचे है या पीआई ए लाइन से नीचे है। तो पीआई के लिए वो देखते हैं आप ये, सॉरी इनको थोड़ा सा मिसप्लेस कर गया हूँ मैं, ये सी यू और सी सी वहाँ पे फॉर्मूलाए गिवन थे और ये वीडियो है अवेलेबल यूट्यूब के ऊपर अगर आप इसको वॉच करना चाहें, सी यू एंड सी सी को समझने के लिए इसको आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी डाल दूँगा। तो प्लास्टिसिटी चार्ट फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये गिवन है, इसमें ये ए लाइन है और ये यू लाइन है। ए लाइन और यू लाइन जो है इनके लिए आप डिसाइड करते हैं अपनी प्लास्टिसिटी लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स के प्रोपोर्शन से कि आपकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस तरह का है, किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर ये सबस्क्रिप्ट यूज होते हैं आपकी कोर्स ग्रेन, ये वही आपकी समरी है आपकी पूरी क्लासिफिकेशन की, आपकी सॉइल का ग्रुप नेम कैसे होगा, जी डब्ल्यू है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जी पी है पोअरली ग्रेडेड ग्रेवल, डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट स्टेप विल बी चेकिंग द परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 200 सीव एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द सब टाइप। इफ परसेंटेज पासिंग लेस देन 50% है 200 सीव से तो कोर्स ग्रेंड है, फिर चेक करेंगे नंबर 4 से परसेंटेज पासिंग और अप टू सो ऑन, फिर इस तरह से प्रोसीजर चलता रहेगा हमारा। उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे देखें कहीं पे आपको ए नज़र आता है, कहीं पे आपको ए डी नज़र आता है, कहीं पे बी डी है, इस तरह से सी और डी ई ये सबस्क्रिप्ट गिवन है। अगर इनको आपने समझना है तो उसके लिए फिर आपको ये गिवन है। ए मींस ग्रेवल्स विद 5-12% फाइंस रिक्वायर डुअल सैंपल्स। आपके अगर आप देखें हमने देखा है अगर लेस देन 5% हैं तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लीन। एंड इफ ग्रेटर देन 12% हैं तो फिर उसके लिए विद फाइंस, ये क्लासिफिकेशन है, सिल्टी और क्ले हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 5-12% है, मीन इंक्लूडिंग 5 and 12, देन आपकी जो सॉइल है उसके डुअल सैंपल्स होंगे जी डब्ल्यू जी एम, जी डब्ल्यू जी सी, जी पी जी एम, जी पी जी सी। अब मैं अगर इसमें से जी पी जी सी को अगर नॉमिनेट करूँ तो मीन मेरी सॉइल ग्रेवल ही है but it is poorly graded clay gravel, p means poorly graded, it is poorly graded clay, c means clay and g means gravel। ab ye is class ka name hai aur ye iska group name hai, mean ye iska symbol hai sorry aur ye iska group name hai, to ye clearly likhna hai aapne। g ke baad jo p hai isko pehle mention karenge, fir g ke baad jo c hai isko baad mein mention karenge, then main name will be at the end। ये gravel g at the end है, c ये last name है, ये before the main name है, and then this is the gradation or poorly graded or well graded। same gp gm is poorly graded silty gravel, this is well graded clay gravel and this is poor well graded silty gravel। इसी तरह से अगर अब sand है तो sand के लिए भी 5-12% के लिए यहाँ g की जगह s आ जाएगा, बाकी symbols वही रहेंगे। यहाँ पे एंड पे ग्रेवल की जगह पे अगर यहाँ पे आ जाता है एम, सॉरी एस पी एस सी मीन्स पुअरली ग्रेडेड क्ले सैंड, पुअरली ग्रेडेड क्ले सैंड हो जाएगा। सी यू और सी सी के लिए बताया हुआ है कि ये फॉर्मूलाए हैं उनके। अगर आपकी पी आई की वैल्यू, अब वहाँ पे रेफरेंस गिवन है पी आई लेस देन 4 और पी आई ग्रेटर देन 7, बिटवीन 4 and 7 कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई इसमें आइडिया नहीं है। तो अगर आपकी पी आई की वैल्यू 4-7 और इनके इक्वल है तो फिर आप उनका सैम्बल जो है वो सी एल एम एल यूज़ करेंगे, आपकी सॉइल जो है वो क्ले और सिल्ट दोनों पे मुश्तमिल होगी एंड दैट विल बी लीन। अब कोर्स ग्रेवल कोर्स सॉइल के अंदर जाएं, अगर आपका सिर्फ एक ग्रुप सैम्बल है जी डब्ल्यू वेल ग्रेडेड ग्रेवल और उसमें सैंड जो है वो 15% से लेस है, मीन नंबर 4 से जो पासिंग है वो 15% से लेस है, इट मींस दैट आपका जो ग्रेवल है वो वेल ग्रेडेड है। अगर परसेंटेज ऑफ सैंड ग्रेटर देन 50% हो जाती है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, अब उसमें सैंड का जिक्र भी होगा कि ये सैंड है। बट इफ़ योर ग्रेवल इज पुअरली ग्रेड
देन यू कैन से दैट दिस इज परसेंटेज ऑफ सैंड फिर कैलकुलेट करेंगे. इसी तरह से ये ग्रुप सैम्पल्स हैं. अब हम डिसाइड करेंगे एग्जाम्पल्स करते हुए कि इनका डिसीजन कैसे लेंगे हम. ये भी इसी तरह से सैम्पल्स हैं, इनको यूज़ करना, ये कैसे नाम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम्पल्स. उसी तरह से ये फाइन ग्रेन सॉइल, ये जो हैं ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हैं. ये फिगर वन, फिगर टू एंड फिगर थ्री, ये तीनों आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हैं. और ये जो है ये फाइन सॉइल के लिए है, टेबल सॉरी फिगर फोर एंड फिगर फाइव, ये आपकी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हैं. इसको आप फिगर सिक्स भी उसी क्लास में जाती है उसी के लिए इसे भी यूज़ कर सकते हैं. अब सिंपली इसको अगर आपने रीड आउट करना है फोर फाइव सिक्स को, ये बड़ा आसान है. इसमें आपने पहले डिसाइड ये कर लेना है कि आपकी सॉइल की लिक्विड लिमिट क्या है. इफ़ योर लिक्विड लिमिट इज़ लेस देन 50 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, जो आपकी लिक्विड लिमिट हो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्लास में जाना है. फिर आप देखेंगे ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है. अगर ये आपको चीज़ें गिवन नहीं हैं तो फिर ऑर्गेनिक नहीं है सॉइल, फिर इन तीनों में से कोई होगी. देन यू विल सी द प्लास्टिसिटी इंडेक्स. अदरवाइज आप सिंपली देख लें आपकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, आप डायरेक्टली प्लास्टिसिटी चार्ट के अंदर चले जाएं. मीन अगर आपकी सॉइल फाइन है तो फिर आप इस चार्ट से जाके भी अपनी सॉइल को ढूंढ सकते हैं. लिक्विड लिमिट यहाँ पे और प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहाँ से, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको सॉइल का पता चल जाएगा कितनी है, किस टाइप के, मीन उसका ग्रुप नेम क्या है. तो सिंपली अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल है, इसे आपको आई थिंक सो के क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. आपकी परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 10 सीव 100% है, फ्रॉम नंबर 40 सीव 80% है, फ्रॉम नंबर 200 सीव इट इज़ 58%. अब सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो हमारा लिक्विड लिमिट सॉरी गिवन है 30, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 है, एंड यू हैव टू क्लासीफाई दिस सॉइल अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड क्लासीफिकेशन सिस्टम. मीन्स वी हैव टू क्लासीफाई USCS, दिस सॉइल अकॉर्डिंग टू USCS. अब सिंपली स्टेप नंबर वन क्या होगा, हमने जज ये करना है कि मेन सॉइल टाइप कौन सी है, फाइन ग्रेन्ड है या कोर्स ग्रेन्ड. अब सबसे पहला दोनों सॉइल, दोनों में आपका कोर्स हो या सॉइल हो, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपने सबसे पहले नंबर ऑफ परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 200 सीव चेक करनी है. हमारे क्वेश्चन में 50% है, मीन्स ग्रेटर देन 50% है, आपकी सॉइल फाइन ग्रेन्ड सॉइल है. स्टेप वन आपको बताएगा कि आपकी मेन कैटेगरी ऑफ सॉइल क्या है, फाइन ग्रेन्ड है या कोर्स ग्रेन है. स्टेप टू पे जाएंगे, आपने सॉइल ग्रुप चेक करना है, उसके लिए आपने प्लास्टिसिटी चार्ट में जाना है. प्लास्टिसिटी चार्ट में आपकी जो लिक्विड लिमिट है दैट इज 30, प्लास्टिक प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 है, ये आपकी लिक्विड लिमिट है 30. ये आपका एक्स एक्सिस लिक्विड लिमिट को शो कर रहा है और वाई एक्सिस प्लास्टिसिटी इंडेक्स को शो कर रहा है, एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 10 दिस वन. अब यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली मूव करें अलॉन्ग द 10 और यहाँ से वर्टिकली मूव करें अलॉन्ग वाई. यहाँ पे ये मिल रहे हैं आपस में और ये रीजन कौन सा है, सी एल. सो वी कैन से दैट आवर सॉइल इज लीन क्ले. आपकी जो सॉइल टाइप है वो लीन क्ले है, येलो प्लास्टिक क्ले भी कह सकते हैं इसको, लीन येलो प्लास्टिक. अब ये सब टाइप, मतलब आपको ग्रुप पता चल गया है कि हमारी जो सॉइल है दैट इज द लीन क्ले. तो अगर आपकी सॉइल फाइन ग्रेन है तो योर सेकेंड स्टेप विल बी टू यूज द प्लास्टिसिटी चार्ट सिंपली, एंड द थर्ड स्टेप विल बी टू डिटरमाइन द ग्रेवल कॉन्टेंट. अब ग्रेवल कॉन्टेंट का मतलब ये है कि नंबर 10 से जो सी पास कर रहा है मटीरियल वो 100% है. मीन क्या है, अगर नंबर 10 से पास कर रहा है तो नंबर 4 उससे छोटी होती है सीव, मतलब सॉरी उसका नंबर छोटा है, उसका साइज बड़ा होता है. साइज मीन उसकी ओपनिंग का जो साइज है वो नंबर 10 से बड़ा होगा. अगर नंबर 10 की ओपनिंग इस तरह की हैं तो नंबर 4 की ओपनिंग इस तरह की होंगी. तो अगर नंबर 10 से पास कर रहा है सारा मटेरियल 100%, इट मींस दैट नंबर 4 से भी पास कर रहा है सारा का सारा मटेरियल. इट मींस कि नंबर 4 से मटेरियल, नंबर 10 से मटेरियल 100% पास करने का मतलब है 100% फ्रॉम नंबर 4 एज वेल. अब यहाँ पे ये एक ट्रिक है थोड़ा सा, इसको समझना पड़ना था आपको, ये क्लियर करनी है इस तरह से चीज़ें. नंबर 10 से 100% पास कर रहा है मीन उससे जो बड़ी सीव है उससे भी 100% पास कर जाएगा. मीन अब नंबर 4 से 100% पास करने का मतलब ये है कि आपका जो सारा का सारा कंटेंट है दैट इज़ दी सैंड, मतलब आपकी जो सैंड है वो अब मोस्टली अवेलेबल है. ग्रेवल इस सॉइल के अंदर मौजूद नहीं है, सारी सैंड अवेलेबल है जितनी भी इजाफी क्ले के साथ मौजूद है. सो नाउ सैंड कंटेंट कितना, अब देखें पहले आपने देखा क्ले कंटेंट कितना है, सॉरी फाइन सॉइल का कंटेंट 58%, वो सी एल आ गई लीन क्ले.
उसके बाद आपने ग्रेवल कंटेंट देखा, दैट इज ओनली 0% मीन नो ग्रेवल्स. अब सैंड कंटेंट देखेंगे तो नंबर 200 से कितना पास कर रहा है, फाइन मटेरियल 100 में से, टोटल सॉइल आपकी 100% होती है जो आप सीयू एनालिसिस में यूज करते हैं, और उस 100 में से आप इस ग्रेवल की और सैंड की परसेंटेज माइनस करेंगे तो आपके पास सैंड का फ्रैक्शन आएगा, दैट इज 42%. सो मींस योर सॉइल इज सैंडी क्ले. तो सैंड कंटेंट इज ग्रेटर देन ग्रेवल कंटेंट. ग्रेवल कंटेंट इज ओनली 0 and sand content is 42, so we can say that sand is greater than gravel. अब ये जब decide कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे, अब देखें आपकी soil का जो liquid limit है that is equal to 30. अब मैं अगर आपको वो दिखाऊँ graphs जो figures थी, ये एक ये आपके पास figure available है, दूसरी figure ये available है. Liquid limit greater than equal to 50 ये तो नहीं है क्योंकि हमारी liquid limit 30 है और वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है. पहली फिगर के अंदर लिक्विड लिमिट हमारी 30 है, दैट इज लेस देन 50%. तो हम डिराइव करेंगे कि हमारी सॉइल या तो इनऑर्गेनिक है या तो ऑर्गेनिक है. अब देखिए हमारे पास पीआई भी गिवन है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दैट इज 10. इट मींस दैट ये सॉइल भी नहीं है, हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4 नहीं है, 4 और 7 इन बिटवीन भी नहीं है. इट मींस वी आर मोर देन, वी हैव प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मोर देन 7. Mean this is greater than 7, so our soil type already decided as CL. ये है. अब इसमें आपने ये देखना है कि आपकी number 200 में से percentage passing कितनी है, number 200 में से. Next step क्या होगा, जब CL तो हम पहले decide कर चुके, mean आप classification यहाँ से भी start कर सकते हैं, ये भी step ना लें, ये भी ना लें, ये भी ना लें, आप direct यहाँ से चले जाएं CL से, कि CL decide कर लिया, उसके बाद आप number 200 से passing देखें कितनी है. ये plus का मतलब है percentage passing. अगर लेस देन 30% पास कर रहा है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30% पास कर रहा है, तो हमारी जो परसेंटेज पासिंग है फ्रॉम नंबर 200, दैट इज 58%. अब 58% 30 से ज्यादा होता है, मींस वी हैव दीज टू टाइप्स अवेलेबल. अब दो कंडीशंस है इसके लिए, आपकी सैंड ग्रेवल से ज्यादा कंटेंट रखती है या सैंड का कंटेंट ग्रेवल से कम है. तो अभी हमने देखा है कि सैंड का कॉन्टेंट जो है वो ग्रेवल से ज्यादा है, मीन हम ये सॉइल टाइप है. इस पर फिर आगे दो एरोज हैं, ये नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी, ये और ये. अब आप ग्रेवल कंटेंट, ये इसने ये डिसाइड किया है कि सैंड की मकदार ग्रेवल की मकदार से ज्यादा है, बट यहाँ डिसीजन ये लेना है कि ग्रेवल की मकदार कितनी है. ग्रेवल 15% से लेसर है या ग्रेटर देन इक्वल टू 15% है, तो 0% थे, मीन्स लेस देन 15% है. इट मीन्स हमारी जो सॉइल है दैट इज लीन क्ले, बट दैट इज सैंडी लीन क्ले. अगर आपके ग्रेवल की परसेंटेज 15% से ज्यादा होती तो we could have said that sandy lean clay with gravel. क्या अब हमारी जो क्ले है वो सैंडी लीन क्ले है, बट कुछ में ग्रेवल कॉन्टेंट चूंकि 15% से ग्रेटर है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे. सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन. देखें जब भी हम सैंड कंटेंट ग्रेटर देन ग्रेवल कंटेंट फाइंड कर चुके हैं तो लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू 30, मींस इट इज लेस देन 50%. तो हम इस फिगर के अंदर मूव करेंगे, लिक्विड लिमिट इज लेस देन 50%, देन यू विल मूव फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉर इनऑर्गेनिक बिकॉज वी हैव अ प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू. हमारे क्वेश्चन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है दैट इज इक्वल टू 10 है, उसमें देखेंगे तो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7 है. तो फिर ये थर्ड स्टेप होगा कि हम इस लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे सॉइल कौन सी होती है, लीन क्ले. वो पहले भी हम डिसाइड कर चुके हैं 30 और 10, यहाँ पे ये मैच करते हैं तो आपकी जो सॉइल है दैट इज CL. यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं आप, वहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं. अब हमारी परसेंटेज पासिंग फ्रॉम नंबर 200 सीव 58% है, सो इट इज ग्रेटर देन 30%. तो सिंपली दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल. अब इसमें हम दो साइड्स पे जा सकते हैं, बट इन आवर केस सैंड कॉन्टेंट इज ग्रेटर देन ग्रेवल कॉन्टेंट. एंड देन नेक्स्ट कंडीशन इज आवर ग्रेवल कॉन्टेंट इज 0%, मीन्स लेस देन 15%. 0 भी लेस देन 15 ही है, इट मीन्स हमारी जो सॉइल टाइप होगी दैट विल बी सैंडी लीन क्ले. सो हम कह देंगे दिस इज सैंडी लीन क्ले, ये हमारी सॉइल टाइप. तो ये यहाँ पे इसने सर्कल किए हुए हैं सारी रेलेवेंट. CL होगी पहला स्टेप, ग्रेटर देन परसेंटेज है फ्रॉम नंबर 200, सैंड कंटेंट इज ग्रेटर देन ग्रेवल कंटेंट इज लेस देन 15%,
So our soil is sandy, lean clay. So for example two, we have different scenario. Our percentage passing from number 200, number 4 sieve is 70%, but percentage passing through number 200 is only 30%. Okay, number 200 se jo material pass kar raha hai, that is 30%. Liquid limit 33 hai, aur plastic limit 12 hai. It means humne unified soil classification system se classify karna hai, soil ko uska group name dena hai, aur usko sample bhi dena hai. Simply, first jo step hai, wo dono mein same hai. Either coarse or soil हो, यहाँ पे देखें number 200 से जो percentage passing है वो 30% है, mean less than 50%. So this is the coarse grained soil. For next step we will find out the coarse fraction. अब यहाँ पे आप coarse fraction find करें, आप plasticity chart में नहीं जाएंगे. वहाँ पे second step था plasticity chart, यहाँ पे plasticity chart में आप move नहीं करेंगे, because this is coarse grained soil. तो coarse grained soil में आपने coarse fraction find करना है. Fine fraction 30% है, तो coarse fraction कितना होगा? Total coarse soil कितनी होगी? तो उसमें से 100 टोटल सॉइल माइनस फ्रैक्शन ऑफ पासिंग नंबर 200, कि जितना फ्रैक्शन या कितनी परसेंटेज आपकी नंबर 200 से पास कर रही है, दैट इज 30%. सो आवर कोर्स सॉइल विल बी 70%. तो इसमें आप आगे आपने ग्रेवल कंटेंट फाइंड करना है. नंबर 4 सीव से कितना मटेरियल पास कर रहा है? 70%. तो नंबर 4 पे रिटेन कितना कर रहा होगा? सिंपली 30%. 100 टोटल थी सॉइल, 100 थी, उसमें से 70% नंबर 4 से पास कर गया. मीन ये सीव थी, इसके अंदर आपने लेट अस सपोज 1000 केजी ग्राम मटेरियल रखा था, उसमें से 700 ग्राम पास कर गया और 300 ग्राम रिटेन कर गया. हाउ मच मटेरियल रिटेन्ड? इट वाज 300 ग्राम. मीन दिस लाइक मटेरियल रिटेन्ड ऑन दी नंबर 4 सीव, सो इट वाज दी ग्रेवल. सो ग्रेवल कंटेंट इज 30%. नंबर 4 एंड नंबर 4 सीव से जो मटेरियल पास कर जाता है वो सैंड होती है, और जो रिटेन कर जाता है वो ग्रेवल होता है. सैंड कंटेंट कितना होगा? सिंपली अब देखें, आपकी जो नंबर 4 से पास कर रहा है मटेरियल, दैट इज 70%. नंबर 4 से देखें, ये नंबर 4 है, लेट अस सपोज इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये आपने 1000 ग्राम इसमें मटेरियल ऐड किया, इसी नंबर 4 के नीचे नंबर 200 सीव भरी हुई है. दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 200. यहाँ पे आपने 1000 ग्राम रखा, 700 ग्राम इसमें से पास कर गया, मीन 70% पास कर गया. वो जो नंबर 200 में पहुंचा, उसमें से 30 ग्राम नीचे चला गया, 30% नंबर 200 को भी क्रॉस कर गया. सिंपली जो आपका सैंड कंटेंट था वो कितना था? 70% था, कि नंबर 4 से जो पास कर रही है वो टोटल सैंड है. सो सैंड कंटेंट इज सिंपली 70%, विच इज पासिंग फ्र�म नंबर 4 सीव 70%. सो हियर सी द ग्रेवल कॉन्टेंट इज 30%, बट सैंड कॉन्टेंट इज 70%. सो सिंपली वी कैन से दैट सैंड कॉन्टेंट इज ग्रेटर देन द ग्रेवल कॉन्टेंट. तो ये आपका फोर्थ स्टेप है, दैट इज फाइंड आउट द सैंड कॉन्टेंट. सो वी कैन सिंपली से दिस इज अ सैंड, मीन ये ग्रेवल नहीं है, ये सैंडी सॉइल है, ग्रेवली सॉइल नहीं. मीन सिंपली यू कैन से दैट आपकी जो मेन टाइप है सॉइल की वो सैंड होगी, वो ग्रेवल नहीं होगी. और जैसे हम लिखते हैं ना जीपी एमपी, सॉरी जीपी जीएम, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज ग्रेवल. तो यहाँ पे अब ऐसा कोई आएगा एसपी एसएम या इस तरह से कोई नाम आएगा, वो हम देखते हैं कैसे रिड्यूस होगा. तो सिंपली मेन टाइप ऑफ सॉइल इज सैंड. स्टेप 5 क्या है? उससे आप देखेंगे कि आपकी नंबर 200 से परसेंटेज पासिंग, वो फाइंस जो देखते होते हैं, परसेंटेज फाइंस लेस देन 5% है, मोर देन 12% है, या कितने हैं. तो आप इसमें जाएंगे, सिंपली देखें आपकी कोर्स ग्रेंड सॉइल है, मोर देन 50% जो है वो नंबर 200 पर रिटेन का, मीन 50% से नंबर 200 से जो पासिंग है दैट इज लेस देन 50%. तो या तो आपकी सॉइल ग्रेवल होगी या आपकी सॉइल सैंड होगी. बट हमने देखा था कि नंबर 4 से जो पासिंग है, पासिंग नंबर 4, that is equal to 70%, mean this is greater than 50. So 50 or more of coarse fraction passes number 4, so pass kar gaya, aapki soil sand hai. Ab usme do steps hain, ya to aapke fines, mean number 200 se jo passing ho rahi hai wo less than 5 hai ya greater than 12 hai. To agar wo greater than 12 hai, kyunki hamare case mein P200 jo hai that is equal to 30%, to wo 12% se greater hai simply. To ab hum step karenge towards this condition, कि हमारी सॉइल या तो एस एम होगी या तो एस सी होगी.
तो फिर हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखेंगे वो कौन सी सॉइल है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारे केस में कितना है, पी आई, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब लिक्विड लिमिट आपकी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 33 एंड प्लास्टिक लिमिट इज 12, तो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी 21। सिंपली 33 माइनस 12 इज इक्वल टू 21, तो 7 से ग्रेटर है तो आपका जो प्लॉट है ऑन और अबव ए लाइन होगा तो आपकी सॉइल मोस्ट प्रोबेबली एस सी होगी। यू कैन से दैट योर सॉइल इज एस एम और एस सी। तो ये एस एम या एस सी होगी। उसके बाद क्या होगा, आप सॉइल ग्रुप फाइंड करेंगे, प्लास्टिसिटी चार्ट में चले जाएं, लिक्विड लिमिट ये है, उसके बाद 21 आया आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो आपने वहाँ से जो मैंने अभी आपको वो पीछे दिखाया उसके ऊपर फिगर के ऊपर, यहाँ पे ये आपका एस सी ग्रुप होगा क्योंकि ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7 है, आपका 21 है हमारे केस के अंदर एग्जाम्पल में, तो अबव ए लाइन होगा मीन्स आवर सॉइल टाइप इज एस सी। एस एम और एस सी होगी बट आवर सॉइल ग्रुप इज एस सी, सो इट मीन्स दिस इज क्लेई, ये पहले आएगा क्लेई एंड द मेन टाइप इज द फर्स्ट नेम सैंड। ये प्लास्टिसिटी चार्ट है, इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर ये फाइनल स्टेप है, इसके अंदर आप देखेंगे एस सी किधर है, दिस इज एस सी, इसको आप हिट करें यहाँ पे, किस ग्रुप कौन सा ग्रुप एस सी है, ये भी नहीं है, ये भी एस सी, ये एस पी एस सी है, ये भी नहीं है, एस एम भी नहीं है, एस सी एस एम भी नहीं है, एस सी है। अब इसमें आप ग्रेवल की परसेंटेज देखें, लेस देन 15 है और ग्रेटर देन 15 है, दैट इज ग्रेटर देन 15%, 30% ग्रेवल है हमारे सॉइल सैंपल के अंदर, दैट इज ग्रेटर देन 15, सो आवर सॉइल इज क्लेई सैंड विद ग्रेवल। और अगर इसका आप करना चाहें ग्रुप सैंपल, तो दिस इज एस सी विद ग्रेवल्स, क्लेई सैंड विद ग्रेवल्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर।